हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हिमाचली कपल में। तो दोस्तों, अब जो है हमारी नई ट्रिप शुरू हो चुकी है। जो नई ट्रिप है हमारी वो है सिरमौर की, और हमारे साथ जा रहे हैं पंकज और सोनू। चलो रेडी है ना? रेडी। चलो चलते हैं, करते हैं अपनी जर्नी शुरू। चंबा वाली तो थोड़ी ठीक रही, थोड़ी खराब रही, लेकिन दुआ करना कि सिरमौर वाली बहुत अच्छी रहे। तो गाइस, ये पहुंच गए हम मेन रोड पे। ये देखिए सामने, ये आ गया है नेशनल हाईवे। तो आज हम लोग जा रहे हैं सिरमौर, और शाम तक हम पहुंचेंगे या ना पहुंचेंगे, पता नहीं कहां पहुंचेंगे, देखते हैं जो भी होगा। और वहां हम जा करके जो है वहां पर एक्सप्लोर करने का हमारा प्लान है। और पीछे देखो, सामान पूरा भरा हुआ है, और अभी तो आधा लेने को है। हाँ, कैंपिंग और कुकिंग का पूरा हमने डाला हुआ है। आज तो हमने ऊपर भी सामान रखा है क्योंकि चार लोग हैं ना इसलिए। और यहाँ पर व्यू देखो यार, क्या शानदार व्यू है। ये है हरा बाग, जोगिंद्रनगर से आगे है जगह। ये देखो पीछे का व्यू देखो, घर कैसे मस्त हैं। और सामने देखो, और यहाँ पर जाम लग गया है। चलो भाई, चलो खुल गया जाम, चलो चलो। तो देखिए गाइस, ये खड़ी है हमारी गाड़ी, और इस वक्त हम हैं मंडी में। मंडी पहुँच गए हैं, और सामने कुकू गई है क्या लाने, कचौरी और भल्ले मिलते हैं यहाँ पर, दही भल्ला कचौरी वो लेने गई है। तो जी, अभी हम लोग पहुँच गए मंडी से। वैसे मंडी में है कौन सा मंदिर है ये? और ये सामने भीमा काली माता का मंदिर। हाँ, भीमा काली, यहाँ पर गए हम, मैं और कुकू गए हैं पहले। देखो कितनी सुंदर जगह है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे, सामने से राइट टर्न, और लेफ्ट वाला जाता है कुल्लू मनाली की तरफ, अगर आप कभी आते हो तो। और नीचे देखो ब्यास रिवर, ब्यास रिवर के ऊपर अभी हम लोग चले हुए हैं। तो जी, हमने लिए हैं भल्ले और कचौरी, सबके लिए केक, और दो तीन भल्ले तो हम खा भी लिए, हमने खा भी लिए हैं। मैंने तो आधा नहीं खाया। तो आपने नहीं खाया तो आपकी गलती है, हमने तो खाए भाई, मजा आया बहुत। ये देखिए सामने मंडी, लोगों के घर है ये। तो ये देखिए, ये आ गए हैं फोर लाइन में, और सामने का व्यू कितना प्यारा है। और मौसम जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अच्छा जी। और आज हम सोच रहे हैं कैंपिंग करने की, लेकिन पता नहीं हो पाई। हाँ, तू जा ले, तू जा लो। तो पता नहीं हो पाएगी या नहीं, तो चले बनी रहिए वीडियो में, आपको पता लग जाएगा। वाह, एक बार व्यू देखिए कितना मस्त है। वाह, देखिए सामने कितना हरे भरे खेत है, बहुत ही प्यारे। तो अब पहुंच गए हम लोग सुंदरनगर, मंडी के बाद सीधा सुंदरनगर। और यहाँ पे बारिश लगी है, अच्छा लग रहा है, गर्मी लग रही थी। अच्छा। और मैंने बूटा ले लिया, चक्रा चक्रा नहीं, चेक नहीं करवाना, कर लिया है चेक आपने बस। और नीचे देखिए सामने कितना प्यारा पार्क है। वाह, देखो क्या मस्त जगह है। जब मैं यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था ना सुंदरनगर में, तब आता था मैं यहाँ इस पार्क के। गया तो नहीं, होनी चाहिए यहीं से। देखा किसके साथ आते हैं? दोस्त के साथ, कसम से दोस्त के साथ। और यहाँ पर भी आते थे झील के पास। यहाँ पर लेक भी बनाई गई है, एक ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पर भी आते थे। तो चलो भुट्टा ब्रेक इज ओवर। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही तेज वाली, खतरनाक। सड़कों में जो पानी पानी हो गया है, और डर भी लग रहा है, बरसात के दिन है। तो हम जो है अब कहीं पर कैंप करेंगे ऐसी बारिश में, तो हो बैठा कैंप। चलो देखते हैं, अभी तो टाइम बहुत है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचने वाले हैं दारला घाट। और पीछे हो रही थी बारिश इतनी भयंकर, और अब जो है मौसम बिल्कुल साफ, यहाँ तो लगता है एक बूंद भी नहीं पड़ी बारिश की। देखो सामने, और गर्मी है यहाँ पर, सड़क तक नहीं है गिल्ली, और गर्मी तो भाई यहाँ पर हाई लेवल है। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अर्की, और यहाँ पर जो है एक मंदिर के पास रुके हैं। मंदिर तो नीचे है, वापसी में देखते हैं जाने का प्रोग्राम। और अभी हम कैंप साइट ढूंढ रहे हैं, कैंप साइट नहीं मिल रही है। पहुंच चुके हैं एक लोकेशन पे, बहुत ही बढ़िया लोकेशन मिली है। और कैसे लगी? हमने भैया को पूछा, उन्होंने हमें बता दिया कि बढ़िया तो नहीं है बट सेफ है। नहीं, बढ़िया क्यों नहीं है? बढ़िया है। ये देखो यहाँ का लोकेशन देखो, ये जो है ना धुंध पड़ी है बिल्कुल, पूरी फॉग फॉग हो गई है। आज जो है सूरज भी दिखाई नहीं दिए। सामने मंदिर है, वो पड़ रही है धूप थोड़ी सी। कहाँ है मंदिर? वो देखो सामने। अरे बहुत मंदिर है यहाँ। और मोर की आवाज भी आ रही थी, दिखेगा ही नहीं आपको फोन में, दिखेगा नहीं क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है, और ऊपर भी पूरा फॉग ही फॉग हो गया जंगल में। और यहाँ पर एक ऑफिस है, वाइन ऑफिस लिखा हुआ है। तो ये अभी बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो यहाँ पर जो मालिक है उनको हमने पूछा, तो उन्होंने बोला भाई लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। और टाइम से हम पहुँच गए हैं, तो अब अपना डिनर बना लेंगे आराम से। डिनर तो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली थी, भल्ले कचौरी ली थी, वो खाते खाते ही चले हैं। तो देखते हैं, अब मेरा मन तो सिर्फ मैगी खाने का, और एक एक कचौरी अभी बची हुई है, बाकी इनका कुछ मूड होगा तो वो बनाएंगे। बाकी आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है।
अभी खुल रहा है हमारा पिटारा, दो टेंट लगेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये लग गया सेटअप। चलो ये देखो कुर्सियाँ रेडी, और अब देखो वाइड एंगल से थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, तो इतना इस एंगल से दिख रहा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। फ़ोन जो है थोड़ा ज़्यादा लाइट दिखाता है। और कुक्कू लगा रही है टेंट, आज देखते हैं क्या किया इसने। देखो क्या देख रही है, दो दो मेरे पास दे, दो क्या तीन दे दे। तो देखो हो चुका है शुरू सब कुछ, और अभी यहाँ पर बनेगा खाना, मैगी बनाएंगे हम। खाना तो हमने ले लिया था रास्ते में भी, ये कचौड़ियाँ ली थी, भल्ले लिए थे, आज खाते हुए चले हैं हम तो ऐसे। देख लो तो गाइज यहाँ पर मैगी हो चुकी है रेडी, और इन्होंने लाल मिर्च भी डाल दी ऊपर से, ये थोड़ी सी डाली है, इतनी तेज नहीं लगी। अच्छा तो ये देखो ये अपना सेटअप है, कुछ ज़्यादा लाइटें हमने जलाई नहीं है क्योंकि ज़रूरत है नहीं वैसे। एक टॉर्च है, एक बल्ब है, और आपको पता है वो जिम जिम वाली लाइट भी है, सब कुछ है। तो टेंट हमारे ये रहे, ये मेरा और कुकू का, ये इन दोनों का है इधर इसके पीछे। तो अभी हम लोग करेंगे डिनर और सो ही जाएंगे, और आपसे मिलते हैं सुबह ही। देखो सब रेडी है, क्योंकि अभी ना थक गए हैं, सर दर्द हो रहा है, तो मूड नहीं है वीडियो बनाने का ना मेरा। हाँ। तो है नहीं, तू बनाएगी? नहीं अब बनानी भी की चीज की, अब तो डिनर करना है, खाना खाएंगे बस सो जाएंगे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, तो देखिए उठ चुके हैं, और मौसम सुबह भी फॉग वाला ही है। और यहाँ पर देखो भाई एक बंदा अंदर सो रहा है अभी, पंकू उठ चुका है, और इसमें कुक्कू भी सो रही है अभी तक। और वॉशरूम वगैरह जो है हम वहीं पर जा रहे हैं सामने, और मुझे लगता है पंकू तो नहाने भी चला गया होगा। और ये देखो यार यहाँ पर जगह तो काफ़ी बढ़िया मिल गई थी हमें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जो है हमारी पैकिंग हो चुकी है पूरी, ये देखिए गाड़ी जो है रेडी हो गई है, और थोड़ा सा सामान बांध रहे हैं ऊपर। ये चेयर जो है इनकी है भाई साहब की, तो यहाँ पर हमने स्नान वगैरह भी कर लिया। तो ये है भाई साहब यहाँ पर, हेलो बोलो भाई। हेलो तो इनका ये काम करते हैं यहाँ पर, कांगड़ा से हैं ये भी। क्या नाम है भाई आपका? चौधरी साहब, प्रेम चौधरी। अच्छा तो कांगड़ा से ही है ये भी, ज्वाला जी साइड से। तो काफ़ी हेल्प कर दी भाई ने, थैंक यू भाई जी। तो बस अब निकलने वाले हैं यहाँ से, ये पैकिंग पूरी हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट, और ये हमने इसमें कचरा वगैरह डाल दिया है। तो जी चल पड़े हैं, सब बैठ चुके हैं, रेडी हैं एकदम। तो कुकू और सोनू बैठ गए पीछे, मैं और पिंकू बैठेंगे आगे। बंद करो गाने, ठीक है? अच्छा कचरा है तो इसको डस्टबिन में डालेंगे आगे, और गाड़ी इज रेडी, चले। चलो भाई चलो, ठीक है भाई, बाय 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 बाय। तो इन भाइयों ने काफ़ी हेल्प कर दी हमारी, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये आगे रोड पे, और रोड की हालत देखो यार, रोड तो मतलब अच्छा है, लेकिन सामने देखो फॉग, और साइड में बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यार, मज़ा आ रहा है सुबह सुबह। और आगे एक भोले का मंदिर है, तो वहाँ की लोकेशन लगाते हैं और फटाफट वहीं चले जाएंगे। पहले आप, अरे वाह नीचे क्या रोड है भाई, दिखाई नहीं दिया कैमरा में, तो वहीं चलते हैं, ब्रेकफास्ट भी वहीं कहीं आसपास ही करेंगे। और बारिश यहाँ होती नहीं है भाई, बहुत कम होती होगी शायद, हमें तो नहीं मिली। अर्की 7 किलोमीटर, ये देखो क्या रोड है, वाह तो यहाँ गाड़ियाँ दिखती नहीं है, अगर कभी आओगे तो ध्यान रखना रोड का। और देखो बंदे हॉर्न भी नहीं बजाते, और इसने भी नहीं बजाया, हैवी ड्राइवर आई है। फूड पॉइंट वही खाएंगे भोले के पास, है ना? पहले मंदिर जाएंगे फिर खाएंगे। चलो फिर वही मिलते हैं, वही क्या मतलब आगे जैसे मिलते हैं। तो यहाँ आ गया भाई साहब अर्की, सोलन, अच्छा डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो ये देखिए सामने ये जा रहा है लिंक ऊपर महादेव के मंदिर के लिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है श्री लुटरू महादेव अर्की। तो ये आ चुके हम लिंक रोड पे लुटरू महादेव के मंदिर की तरफ, और मंदिर हमें दिख गया है नीचे से ही, बहुत ही सीधी मतलब एकदम पहाड़ी के ऊपर है, जैसे वैष्णो देवी जी है वैसा ही है कुछ है। वो देखो ऊपर ये राम मंदिर ऊपर बिल्कुल ही सीधी खड़ी पहाड़ी में है, बाकी थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ओ भाई क्या मंदिर है यार, मंदिर से ज़्यादा भयंकर ये पहाड़ी है। हाँ भाई ऐसी जगह नहीं मैंने देखी अपनी लाइफ में, इतने खतरनाक ये बिल्डिंग कैसे बनी, 1 2 3 4 5 6 मंजिल की बिल्डिंग भाई साहब।
ये देखो महादेव जी कहां, रास्ता आगे से होगा। चलो तो लगी गाड़ी पार्किंग में, लॉक कर दे। तो आज आपको दर्शन कराते हैं लुटरू महादेव के। तो देखो इस तरह का रास्ता है कुछ। सुबह सुबह अच्छा ट्रैक हो गया भाई, भूखे पेट एक चाय पी थी हमने, उन भाई साहब ने हमें चाय पिला दी थी सुबह ही। वैसे तो हम चाय वगैरह भी आपको पता खुद ही बनाते हैं, लेकिन बहुत सही बंदे थे यार वो। वाह जी वाह, ओ हो ये है वो। आज तक मैं आपको वीडियो में कभी कभी दिखाता हूँ ना दूर से, स्पैन बोलते हैं गरारी सामान यहाँ से ढोने के लिए। नीचे से अगर सीमेंट बजरी कुछ भी भेजना हो तो वहाँ नीचे से सीधा यहाँ। अब इस मंदिर के पास पहुँच गया हम, तो ये मेरे कैमरा पे में भी पूरा नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 मंजिल है टोटल, काफ़ी ऊंचाई पे है, बहुत बड़ा है। चलो यहाँ पर जूते खोलते हैं और फिर चलते हैं। बिल्कुल ही खड़ी पौड़ी है यार, चलो लगे ऊपर से गिर गए ना कोई भाई रुक नहीं सकता। बिल्कुल ही खड़ी यार ये मजा ट्रैक करने का खतरनाक है। वाह ये देखो भाई क्या सही मंदिर है यार, गर्दन उठा के देखना पड़ रहा है ऐसे मंदिर को। चलो क्या बना है तेरा बंदे, बहुत सुंदर है। ले क्या देख रहे हैं ये वहां देखो, देखो सामने इतने सारे गमले ये। वाह बहुत सुंदर है कसम से, ये तो आके हमने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा खतरनाक ये यार ये। ये देखो अब है गुफा अंदर का और ये है मंदिर यहाँ पर। इन पौड़ियों पर रोज एक बार भी चढ़ जाती है तो जिंदगी भर फिट रहेगा। देखो यार इसकी स्लोप। तो यहाँ पर जो है कोई गुरुजी है, उनकी जो है मूर्ति बनी हुई है। और इन मंदिर देखो कितना सुंदर है। तो अंदर था महादेव का, यहाँ पर है ये गुरुजी जो है इनका। और बाकी यार ये सामने जो है ना, ये मतलब ऐसा लग रहा है कोई वाटिका है, जैसे कोई अलग ही फीलिंग है। मतलब क्या सही लग रहा है यार देखो। और वो देखो ऊपर महादेव कैसे खड़े हुए हैं, डेंजरस। ये रही हिस्ट्री जो भी है, तो सब लिखा हुआ है पढ़ लेना पॉज करके। बाकी जा रहे हैं भाई यहाँ से नीचे की तरफ। तो जी चल पड़े हैं मंदिर से नीचे की ओर। अच्छा। और मंदिर में जाके बहुत ही अच्छा लगा। सावधानी से चलना जरा यहाँ। हाँ। तो यहाँ पर जो है जो अंदर गुफा थी वो शिव जी का स्थान मानते हैं लोग, और बोलते हैं कि यहाँ पर जो है शिव जी खुद रहते थे। और अब जो है यहाँ पर जितने भी अंदर साधु बाबा बैठे हुए थे वो मतलब इस गुफा की रक्षा कर रहे हैं। हाँ रखवाली कर रहे हैं। तो जो बाबा जी का फोटो लगा हुआ था ना और जो मूर्ति है वो यहाँ मतलब आजकल करंट में जो है उनका मतलब उनकी देख रेख में जो है सब कुछ हो रहा है। तो गाइस कमेंट में बताना आपको कैसा लगा मंदिर। पहले तो ये जगह बहुत ही खतरनाक लगी मुझे, बाकी यहाँ के मज़ा भी बहुत आया। और ये घूम रही है अपनी गाड़ी भाई, और यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी काफ़ी है, लेकिन बोल रहे हैं कि बोल के रहे वहाँ लिखा था कि शिवरात्रि यहाँ की बहुत फेमस है। तो मुझे लगता है जब शिवरात्रि आएगी तो भीड़ बहुत तगड़ी होती होगी यहाँ पर। तो अब हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने, यहाँ पर देखो गाड़ी खड़ी है। ये आ गया यही अर्की में ही चाय ले रहे हैं, चाय पराठा खाते हैं। तो ये यहाँ पर खाया हमने खाना, ये देखो एक रोड जा रहा है नीचे को, और यहाँ पर क्या है ये सम्मेलन कक्ष। लो तो डाल दें यहाँ सामने ही, और यहाँ पर कचरा दिख गया है जाए डालते हैं इसमें। तो कचरा डाल दिया जी डस्टबिन में, देखो यहाँ पर डस्टबिन है लेकिन बहुत देर लगी घुसाने में उसके अंदर। और चलो चलते अब आगे। तो ये देखिए सामने क्या बढ़िया कटिंग करी हुई है यार, मेरे को लगता है इसमें साल लगा के है ना, चिनाई की तरह करी है बिल्कुल खड़ी 90 डिग्री। और बहुत ही सुंदर रोड है यार, ओ भाई ये पहाड़ी काटी है बीच बीच से, मतलब छोटी छोटी पहाड़ियां यहाँ है, बहुत बड़ी नहीं है यार। सच में यहाँ बारिश कम होती है भाई, कहाँ गिरे गई
देखो हमारे वहाँ बन जाए ना अगर ऐसा, तो गारंटी है एक ही बरसात में नीचे गिर जाएगा पहाड़। और ये तो 90 डिग्री में खड़ा है, तो यहाँ पर भुट्टा खाया जाएगा अभी। वाह क्या जगह है, कितने का है अंकल जी, कितने का भुट्टा? हर बार ऐसा करते हो आप, पहले बड़े को टेस्ट कराते हैं पति को। अच्छा मैं गड्डी नहीं चलानी तो मैं खा देता हूँ इसको। क्या हुआ? एक बाइट नहीं खा सकता मैं? है? बोला था मैंने लेने को, तब लिया नहीं है। लिया मैंने तो दिए पैसे। अरे परे करो फोन। क्यों करना परे? ये भुट्टे खा खा के ना आए हाय। देखो हिमाचली कपल कैसे, कपल तो है नहीं है। अच्छा देना रे, दे दे, थैंक यू। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं 4 लेन हाईवे पर, और ये जगह है धर्मपुर। एक धर्मपुर हमारे वहाँ घर के पास भी है, मतलब जोगिंदर नगर साइड में, और ये जो है थोड़ा एक और जगह है मतलब सेम नाम से। और हाईवे देखो यहाँ पर कितना मस्त हाईवे है, और यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। पीछे बहुत तगड़ी बारिश हुई, उसके बाद 10-15 किलोमीटर तक कोई बारिश नहीं, बहुत गर्मी। और अब यहाँ पर पहुँचे तो देखो धीरे 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 बारिश स्टार्ट हो रही है, मतलब हो चुकी है यहाँ पर। तो पीछे बिल्कुल सूखा था, तो यार बरसात में जो बारिश होती है ना वो मतलब 2 मोड़ के बाद कोई पता नहीं होता है क्या होगा। क्या लोकेशन आई है अब, और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो गया है। भुट्टा खाने के बाद जो है अब हम अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाले। ओ भाई हनुमान बजरंग बली की मूर्ति वहाँ इतनी बड़ी खड़ी करना, कहीं सोल यूनिवर्सिटी है वहाँ शायद, बोर्ड लगा था पीछे भी, आपको दिखाते हैं आगे कहीं से अगर कोई खुला सा प्लेस दिखता है तो। तो वो देखिए सामने दिख रही है, ये है सोलिनी यूनिवर्सिटी, वही होगी क्योंकि नीचे को रोड जा रहा था वहाँ पीछे बोर्ड लगा था। और मूर्ति देखो यार इतनी बड़ी है यार, ये इसके घुटने में ही कितनी मंजिलें बन गई है, देख घुटने तक रही है ना, कितनी मंजिलों का नीचे ही बन गया है। और बाकी ऊपर का एरिया बहुत बड़ा कैंपस लग रहा है, और ये कुछ शानदार रोड, वाह क्या ग्रीनरी है। अब देखिए बारिश के बाद कैसा माहौल है, बारिश जो है अब रुक गई है। ओहो ब्यूटी। और ये जो है अब हम थोड़ा सा टॉप माउंटेन में आ चुके हैं, यहाँ पर जो है पेड़ देखो चेंज हो गए सामने, ये जो है बान के वृक्ष है, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। और सामने देखो क्या नजारा है यार, देहरादून नाहन शिमला उत्तराखंड से सीधा हिमाचल। तो देखिए यार यहाँ पर पहुँचे हम लोग अभी, सराहा से 10 किलोमीटर पीछे होंगे, और ये लगाई हमने गाड़ी अपनी, और सब यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। और यहाँ का व्यू देखो आप लोग, यार क्या व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू। पीछे जो है कुछ गर्म गर्म इलाके को छोड़ के हम आए हैं, और यहाँ पर जो है अलग ही फीलिंग है। ये देखो ऊपर पूरा फॉग फॉग है, पूरा काला काला सब कुछ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो जो है लंबी हो गई है, लंबी तो क्या ही हुई है, हम बना बना के थक गए हैं, कल से बना रहे हैं, बोरिंग सा सिस्टम हो गया था वैसे। अब जो है ना अब आ गए हैं बहुत ही बढ़िया जगह में, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो एकदम फ्रेश हो और एक बढ़िया वाली हो, है ना। हाँ। सही बात है ना, पीछे वाली थोड़ी ऐसी थी बोरिंग बोरिंग। हाँ, लेकिन लाइक कर देना यार। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।